हेलो गाइस, देखिए ये मेरे हस्बैंड का शर्ट है, इसको मैं बनाऊंगी। देखिए मेरी बेटी ने पहना हुआ है, बहुत ढीला है और ये बनने के बाद तैयार हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए ये मेरा शर्ट है, मेरे हस्बैंड का शर्ट है और ये मुझे कट करना है 4-4 इंच पे। इस तरह से हमें बाहीं निकाल लेनी है। पहले बाहीं को कट करके निकाल लेंगे साइड साइड से। देखिए इस तरह से बड़ी सफाई से बिल्कुल बराबर कपड़ा रखते हुए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो पूरा शर्ट जो है थोड़ा सा साइड साइड से और नीचे से थोड़ा सा आड़ा बेड़ा हो जाएगा, इसलिए बराबर से आप कट करिएगा। और ये 24 इंच का है, मतलब 24 का डबल कर लीजिए सराउंडिंग में पूरा, लेकिन 24 है ये। तो मेरी बेटी को थोड़ा सा ढीला चाहिए था, बहुत ढीला नहीं, इसलिए मैं 3-3 इंच पे इसे कट करूँगी। देखिए इस तरह से, ताकि जो सिलाई में है और जो उसको फिट भी हो। देखिए ये हो गया। अब थोड़ी सी बाहीं की गहराई दे देंगे, जो बाहीं का मुड्ढा वाला है ये नीचे से कट कर लेंगे। जितनी लंबाई चाहिए आप कट कर लेना, जितना आपको ढीला चाहिए आप ढीला कर उतना ही कट करिएगा। ये तो मैं अपनी बेटी के नाप के हिसाब से बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ये देखिए बाहीं का जो मोटा वाला हिस्सा होता है सिलाई का, वो निकाल लिया। ये इस तरह से हमें आस्तीन को अलग कर देना है और ये जहाँ से जहाँ तक ये पट्टी आया है सिलाई का, उसे निकाल लेना है। बस देखिए, बस कट करके, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। और ये देखिए बाहीं को इसके ऊपर रख लीजिए थोड़े से, हाँ ऐसे रख लीजिए। और फिर करीब 1 इंच या आधा इंच रख के आप कट करके साइड से निकाल लीजिए। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था, आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखा था। और ये देखिए इस तरह से आप चुन्नट देके इसमें सिलाई कर लीजिए। अब ये जो आस्तीन है उसको सीधा रखिए और जो कपड़ा है बाहीं का उसको उल्टा रख के उस पर प्लेट बनाते हुए आपको सिलाई कर लेना है। देखिए इस तरह से बहुत सिंपल है, आराम से बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। देखिए इस तरह से प्लेट बनाते जाइए और सिलते जाइए, और सिल जाए तो बैट की सिलाई भी इसी समय दे दीजिए। देखिए बैट की सिलाई से क्या होता है कि फिनिशिंग भी आती है और देखने में अच्छा था, मजबूती भी हो जाती है। इसी तरह दूसरी बाहीं को रेडी कर लेना है। देखिए दोनों बाहीं रेडी हो गई, अब हमें इसे सिलाई करनी है। ये बाहीं को उल्टा रखना है, शॉर्ट तो सीधा ही रहेगा, बाहीं को उल्टा करके और सेंटर पॉइंट ले लेना है दोनों का। पहले सेंटर से आप सिलाई करिए जिससे कि आपकी बाहीं बराबर जुड़े। मैं हमेशा सेंटर पॉइंट से ही सिलाई करती हूँ। देखिए सेंटर से हमने ले लिया है, इस तरह से सिलाई करते जाइए। देखिए सिलते जाइए नीचे तक और फिर दूसरे तरफ से उसको घुमा के दूसरे साइड से भी सिलाई कर लीजिए। देखिए इस तरह से ये बराबर से, बिल्कुल बराबर से बैठा लीजिए इसको कपड़े को और फिर इसको सिलिए। सेंटर से ही आपको दूसरे तरफ ही सिलाई कर लेना है। इसी तरह आपको दोनों बाहीं सिलाई कर लेनी है। देखिए ये हो गया। इसी तरह आपको दोनों बाहीं को रेडी कर लेना है। इसको भी देखिए मैंने कर लिया रेडी, अब नीचे वाले पार्ट को सिलना होगा। पहले साइड साइड से सिलेंगे। देखिए ये साइड साइड से हम सिलाई करेंगे, बाहीं हैं। इस तरह से सिंपल आप आराम से सिलिए। साइड से सिलाई करने के बाद ये नीचे से आप मोड़ के सिलिए। देखिए बन के रेडी हो गया। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत सिंपल है।